ठीक है। उसके पहले हम क्या करवाए थे, करवाए थे हैज है बोला था ना, ये हो जाएगा इज एम आर वाला। देखो यहाँ पर इसका पैटर्न हो जाएगा, हाँ हाँ हैज हैव हैड, पहला नंबर ऑब्जेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा पैटर्न सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हाँ नया है ये, प्लस इसी सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब पता है क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, यानी कि इसका एक और हम पैटर्न हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन, और अंतिम में तुम ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, ये दूसरा पैटर्न हुआ। हम इसी को क्या किए यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, बस वही है। अब जैसे देखो, मैं जाने को हूँ, मैं थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मैं जाने को हूँ, या फिर जाने वाला हूँ, बताओ दोनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है, मतलब एक ही है, दोनों का सेम बनेगा तो क्या होगा, आई एम, फिर यहाँ पर क्या है टू वी वन, जाना का क्या होता है गो, आई एम टू गो। वर्षा होने वाली है, जल्दी बोलो क्या होगा, वर्षा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई सब्जेक्ट है, सॉरी मतलब कोई वस्तु है ये, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज टू, वर्षा का क्या होगा रेन, इट इज टू रेन। होने वाली हाँ, बच्चा रोने वाला है, ठीक है, इसलिए जल्दी से उसको खाना पीना खिलाओ, बताओ क्या होगा, बच्चा का क्या होगा, द चाइल्ड इज, रोना का क्या होता है टू वीप, ठीक है, वीप और क्राई में क्या फर्क है पता है, बच्चा का यहाँ पर क्राई ही रहेगा, क्योंकि बच्चा जब भी रोता है तो सिर्फ चिल्लाता है, आंसू नहीं निकलता उसका, उसको बोलते हैं क्राई, सिर्फ चिल्लाना, और जो वीप होता है वो आंसू के साथ रोता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलता है, जो आदमी रोता है उसका आवाज़ नहीं निकलेगा उतना, लेकिन आंसू बार बार निकलेगा, और वही क्राई में क्या होता है, आवाज़ खाली निकलेगा आंसू नहीं निकलेगा, बच्चा सब जो चिल्लाता है, गाड़ी आने को है, जल्दी बोलो गाड़ी आने को है तो क्या होगा, द गाड़ी, द कार इज टू कम, मैं खाने वाला हूँ, जल्दी बोलो क्या होगा, हाँ टू इट बन जाएगा घर से ना, चलो होमवर्क दे देते हैं, मैं खरीदने क्या, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, आई एम टू बाय ए कार, बाय मतलब खरीदना, ठीक है, बाय कार, हम लोग यह काम करने वाले हैं, हम लोग शादी करने वाले हैं, क्या बात है, शादी का भी समय चल रहा है, अभी सीजन भी चल रहा है ना,
देखो हम लोग वी, हाँ वह आने को है, वी आर टू मैरी, मैरी मतलब शादी करना होता है। हम लोग यह काम करने वाले, वी आर टू डू दिस वर्क, यह काम का दिस वर्क हो, वी आर टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, दिस वर्क इंग्लिश से तो बोल रहे, हिंदी तो बोल रहे, टी ओ टी ओ नहीं टी ओ टी ओ टू का नाम बड़ा टी ओ दिस वर्क, दिस वर्क, हाँ डी आई एस क्या